नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो बढ़ती महंगाई को लेकर आज राजद अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। ऐसे में तस्वीरें वैशाली से सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ उनका पुतला भी दहन किया जा रहा है। खबर वैशाली के महनार अनुमंडल अंतर्गत सहदई से है। आपको बता दें कि राजद कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो लगातार जिस तरह से दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर राजद ने इस बात का ऐलान किया था कि 18 और 19 तारीख को सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। और इसी को देखते हुए हर जिले से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। इतना ही नहीं, वैशाली जिले में प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को भी दहन किया गया है। आपको बता दें कि राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर महंगाई कम नहीं हुई तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लगातार आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में दिनों दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री को और राज्य सरकार को सूद लेनी चाहिए, साथ ही साथ जनता जिस तरह से परेशान है उनकी परेशानी को भी कम किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर आज राजद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा है, जिसमें नारेबाजी लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस महंगाई को कम किया जाए। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, किस उद्देश्य से किया गया है? आज का कार्यक्रम राजद के आह्वान पर, हमारे तेजस्वी प्रसाद जी के आह्वान पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें डीजल पेट्रोल का दाम वृद्धि किया गया है, उसी पर रसोई गैस पर, और किसानों को महामारी चल रहा है, डीजल का दाम बढ़ गया, इसलिए इसे इस वृद्धि से किसान वगैरह भी त्रस्त हैं क्या? हाँ, किसान लोग त्रस्त हैं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से। प्रदर्शन कहाँ पे हुआ है? ये सहदई प्रखंड में हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कुमार है, राजद प्रखंड अध्यक्ष सहदई। अलग अलग जिले से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि जिला और प्रखंड स्तर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, राजद के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि अगर महंगाई कम नहीं हुई तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में आगे भी जो तस्वीरें सामने आएगी, न्यूज फॉर नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।